हेलो एवरीवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा जिसमें कि मैं आपसे थर्मोडायनेमिक्स के टॉप ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूँगा ये हमारा पार्ट हंड्रेड है ठीक है यानी कि इससे पहले हम नाइन्टी नाइन वीडियोज़ को अपलोड कर चुके हैं आप लोगों ने हमारे चैनल को कंटिन्यूस बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपके सपोर्ट की वजह से ही हम टोटल हंड्रेड वीडियोज़ लेकर के आ पाए हैं तो उसके लिए एक वीडियो को लाइक करना तो बनता है ठीक है तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द टर्म एन यानी कि एन का मतलब क्या है वुल फॉर्म क्या है नॉमिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल थर्मोडाइनमिक प्रैक्टिस तो बेसिकली एन का मतलब होता है आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर तो सी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन टू में चलते हैं कि चेंज इन एंथेरपी ऑफ सिस्टम इज दिट सप्लाइड यानी कि चेंज इन एंथेरपी एंथेलपी अगर आप चेंज करेंगे तो उस समय आपका जो हीट सप्लाई होगा वो किस पे होगा कांस्टेंट प्रेशर पर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे या कॉन्स्टेंट एंट्रोपी पे तो चेंज इन एंथेलपी जो होता है वो आपका किस पे होता है तो वह आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर में होता है तो ए इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री में चलते हैं कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज डिक्रीज रिमेंस कांस्टेंट या शो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर तो बेसिकली क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होता है इसमें क्या कांस्टेंट रहता है तो आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है ठीक है तो टेम्परेचर जहाँ पर भी कॉन्स्टेंट रहेगा वहाँ पर आपका इंटरनल एनर्जी भी कॉन्स्टेंट रहेगा तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर में चलते हैं कि इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्राई आइस इज मिक्स्ड विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी 80 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या बोल रहा है ड्राई आइस को अगर आप मिक्स करेंगे एट्टी डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के साथ में तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा तो आपका एट्टी माइनस जीरो ठीक है एट्टी इन टू जी एट्टी जीरो कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो आपका जीरो डिग्री हो जाएगा तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव में चलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि वन वाट ठीक है ध्यान से सुनिएगा वन वाट होता है एक आपका वन किलो वाट होता है ठीक है जब कभी भी किलो आ जाएगा तो वो आपका थाउजेंड हो जाएगा ठीक है और जब कभी आपको वन वाट रहेगा तो वन का मतलब फिर आप वॉट है तो मतलब सिंगल डिजिट में रहेगा तो वन न्यूटन मीटर पर सेकेंड वन न्यूटन पर मीटर वन न्यूटन मीटर पर आवर वन किलो न्यूटन मीटर पर आवर तो वन वाट इज इक्वल टू बेसिकली होता है आपका वन न्यूटन मीटर पर सेकेंड तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स में चलते हैं कि वर्क डन इज़ जीरो फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस यानी कि इन चारों में से कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि आपका वर्क डन जो जीरो रहता है यानी कि काम नहीं होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अगर वॉल्यूम आपका कॉन्स्टेंट है तो वर्क डन क्या रहेगा तो वर्क डन जीरो रहेगा फ्री एक्सपांशन फ्री एक्सपांशन में भी आपका वर्क डन जीरो रहेगा थ्रॉटलिंग प्रोसेस थ्रॉटलिंग प्रोसेस में भी आपका वर्क डन जीरो रहेगा तो बेसिकली क्या हुआ ऑल ऑफ दिस यानी कि ऊपर के तीनों मतलब ऑल ऑफ दिस इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन में चलते हैं कि द बेसिक फॉर मेजरिंग थर्मोडानेमिक प्रॉपर्टी ऑफ अ टेम्परेचर इज गिवन बाय यानी कि जो आपका टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं ना किसी भी थर्मोडामिक प्रॉपर्टी का वो आपका कौन से लॉ पे काम करता है टेम्परेचर मेजरमेंट जीरो लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स सेकंड लॉफ थर्मोडानेमिक्स या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो आपका जो बेसिक ऑफ मेजरिंग थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है फॉर टेम्परेचर के लिए वो आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स तो ए इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट में चलते हैं कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द गैस लॉ कैन बी यूज विथ मिनिमम एरर यानी कि इन चारों में से कौन सा गैस है जिसमें जो एरर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है जब उसको हम मेजर करते हैं ठीक है तो ड्राई स्टीम वेट स्टीम सेचुरेटेड स्टीम या सुपर हीटेड स्टीम तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुपर हीटेड स्टीम इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन में चलते हैं कि ऑन वॉल्यूम बेसिस देखिए एक जो आपका एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको दो बेसिस में कंट्रोल करते हैं एक आपका ऑन वॉल्यूम बेसिस और एक होता है आपका ऑन वेट बेसिस ठीक है तो इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है ऑन वॉल्यूम बेसिस एयर कंटेंस फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन जो है आपका बाई वॉल्यूम कितना है ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव सेवेंटी सेवन तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि यहाँ पे एयर जो आपका ऑक्सीजन है वो ट्वेंटी वन परसेंट रहेगा और आपका जो नाइट्रोजन रहता है वो आपका सेवेंटी एट परसेंट रहता है ये आपका किसके केस में है तो ये आपका वॉल्यूम के केस में है अगर ये बाई वेट के, के केस में आएगा तो वेट केस में आपका जो ऑक्सीजन रहता है वो आपका ट्वेंटी थ्री परसेंट रहता है ये भी आपको याद रखना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर टेन में चलते हैं कि इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस यानी कि जो आपका फ्री एक्सपांशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है वर्कडन जीरो होता है हीट ट्रांसफर जीरो होता है बोथ ए एंड बी यानी कि वर्कडन और हीट ट्रांसफर दोनों जीरो होता है कि वर्कडन इज जीरो बट हीट इंक्रीज तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस वर्कडन एंड हीट ट्रांसफर इज जीरो तो सी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एलेवन में चलते हैं कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन यानी कि जो स्पेसिफिक हीट होता है किसी भी एयर का वो कैसे इंक्रीज़ होता है क्या बढ़ाने से स्पेसिफिक हीट आपका इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर बढ़ाने से स्पेसिफिक हीट इंक्रीज़ होगा प्रेशर बढ़ाने से वेरिएशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स या एयर फ्लो तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर जो है वो इंक्रीज़ होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने से तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर थर्मोडाइनमिकली रिवर्सिबल यानी कि इन चारों में से कौन सा प्रोसेस है जो कि आपका रिवर्सिबल है ठीक है प्रोसेस जो है आपका बेसिकली दो टाइप का होता है एक आपका रिवर्सिबल होता है और एक आपका इ रिवर्सिबल होता है तो बेसिकली आपका जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जहाँ से शुरू होता है वहीं पर आके वो खत्म हो जाए मतलब यहाँ से अगर प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ठीक है यहाँ से अगर प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और ऐसे जा रहा है और यहाँ पे आकर के अगर आप फिनिश हो जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा तो वो आपका रिवर्सिबल कहलाएगा और इरिवर्सिबल क्या होता है कि अगर ये ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड जो है वो आपका कहीं और हो गया ठीक है ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है दोनों अगर मैच नहीं कर रहा है तो वो आपका इरिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है बेसिकली ओनली दो होता है थ्रोटलिंग फ्री एक्सपांशन हाइपरबोलिक आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो आपका क्या है तो वो आपका आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इ प्रोसेस इससे पहले हमने बात किया था रिवर्सिबल प्रोसेस तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन कौन सा था तो वो था आपका आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक इसके अलावा कोई भी तीसरा प्रोसेस आपका रिवर्सिबल नहीं है ठीक है तो बचा क्या आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस तो थ्रोटलिंग क्या हुआ यह आपका इ प्रोसेस हुआ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में चलते हैं कि मिनिमम वर्क इन कंप्रेसर इज़ पॉसिबल व्हेन द वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स एन यानी कि वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स जो एन की वैल्यू है वो कब मिनिमम रहेगा जब आपका पॉइंट सेवन फाइव रहेगा एन की वैल्यू वन रहेगा वन पॉइंट टू सेवन रहेगा या वन पॉइंट थ्री फाइव रहेगा तो जब आपका एन की वैल्यू जो है इक्वल टू वन रहेगा तो उस केस में आपका जो कंप्रेसर जो है वो पॉसिबल रहेगा उसका वर्क डन मिनिमम रहेगा तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में चलते हैं कि द मोर इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग इफिशियसी ऑफ अ कार्नोट इंजन अगर आपको कार्नोट इंजन की इफिशियंसी बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है तो देखिए कार्नोट साइकिल की जो इफिशियंसी होती है वो क्या होता है हाईस्ट टेम्परेचर हाईस्ट माइनस टेम्परेचर लोवेस्ट बट ए टेम्परेचर लोवेस्ट ठीक है तो इस केस में अगर आपको बढ़ाना है उसकी इफिशियंसी तो आप क्या करेंगे इसको या तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दीजिए या इसको आप बहुत ही ज़्यादा कम कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पे दोनों सेम है तो हम इसको कम कर देंगे तो डिक्रीजिंग लोअर टेम्परेचर तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन के बारे में बता दो कि इसकी जो इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है हंड्रेड परसेंट वो साइकिल कौन सा है तो वो आपका रिवर्सिबल साइकिल है और सिर्फ आपका कारनोट नहीं कारनोट के साथ में आपका स्टेलिंग साइकिल एरिशन साइकिल ये दोनों भी आपका रिवर्सिबल साइकिल के अंदर आता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में चलते हैं कि फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज़ मैगजिमम मिनिमम जीरो अनप्रडिक्टेबल तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उसमें चेंज इन एंट्रोपी है वो आपका जीरो होता है कितना होता है चेंज इन एंट्रोपी जीरो सी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन यानी कि किसी भी जो एंट्रोपी है वो कैसे जो चेंज होती है वो किस पर डिपेंड करती है हीट ट्रांसफर पे मास ट्रांसफर पे चेंज ऑफ टेम्परेचर पे या थर्मोडायनेमिक स्टेट पे तो एंट्रोपी चेंज जो है वो किस पर डिपेंड करती है तो वो आपका हीट ट्रांसफर पर डिपेंड करती है तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एटीन है कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है मैं उस टाइम तो आपको बताया था कि आइसोथर्मल थर्म, प्रोसेस में आपका क्या कॉन्सेंट रहता है तो आपका टेम्परेचर कॉन्सेंट रहता है तो जब आपका टेम्परेचर कॉन्सेंट रहेगा तो उस टाइम में आपका इंटरनल एनर्जी भी कॉन्सेंट रहेगा तो सी इज़ आ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में चलते हैं कि टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ आल्सो नोन एज यानी कि किसी भी सब्सटेंस का टोटल हीट जो है वो क्या होता है इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी थर्मल कैपेसिटी या एंथेलपी तो टोटल हीट जो है वो क्या कहलाता है तो वो टोटल हीट जो है वो आपका एंथेलपी कहलाता है तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे चलते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखिए थर्मल लॉ ऑफ थर्मो कितने हैं फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ठीक है बेसिकली पॉपुलर जो है आपका यही दो है और इससे पहले एक और आता है आपका जीरो लॉ ठीक है तो अभी क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या है मास एंड एनर्जी आर म्यूचुअली कार्नोट इंजन इज मोस्ट इफिशियंट हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल या मास एंड लाइट आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल तो ये चार ऑप्शन है राइट right आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए ठीक है आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा अगर आप एन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए हम डेली एन से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए शेयर करिए यह आपका नीचे आंसर की है पीडीएफ से बाद में अगर आपको रिवीजन करना है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो